YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। दमोह के सीग्रामपुर में मोहन कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, समस्त कर्मचारी बड़ा अपडेट। मोहन साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के अवतरण दिवस की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने पूरे साल अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम हाथ में लेने का निर्णय किया था। मुझे इस बात का संतोष है, सरकार के गठन के साथ ही 3 जनवरी को हमने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर में की थी। उसके बाद अभी 5 अक्टूबर रानी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर पर हम कल कैबिनेट करने वाले हैं। मुझे इस बात का मन में गर्व भी है और अपने लिए खासकर पूरे प्रदेशवासी के वासियों को भी मन में संतोष है कि हमारी वीरांगना जिसने देश की उस समय की कठिन परिस्थिति में न केवल सुशासन की बल्कि वीरता की भी बड़ी मिसाल पेश की, जिसने देश के सभी विरोधियों से न केवल डट के मुकाबला किया बल्कि अपनी जनता के लिए सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल उत्पन्न की, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है जो रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए सभी प्रकार से बहनों को साथ लेकर के और सेना का नेतृत्व किया, दुश्मनों से मुकाबला किया, मौका पड़ा तो अपने आप को कुर्बान भी किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर हम जो कल कैबिनेट करने वाले हैं उसी अवसर पर श्री अन्न प्रोत्साहन की एक नई योजना का भी शुभारंभ 2024-25 के लिए जो कोदो कुटकी उत्पादन में कृषकों को मदद करेगी इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं और कल हम अनाउंस करेंगे। इसके पीछे भाव ये है कि हम अपने अतीत के वो सारे गौरवशाली महापुरुष या वीरांगनाओं को याद करें जिनके कारण से हमारा देश और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कल शनिवार 5 अक्टूबर को नई पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पहली कैबिनेट बैठक करने जा रही है। ये दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में होगी। ये क्षेत्र वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा के लिए पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस विशेष दिन पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि रानी दुर्गावती के 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने कई कार्य करने का संकल्प लिया था। वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्मजयंती के दिन में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हम 5 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट बैठक करेंगे। इस अवसर पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024-2025 का शुभारंभ करने वाले हैं जो कोदो कुटकी उत्पादन में कृषकों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हम कल जन कल्याणकारी और भी योजनाएं लागू करेंगे। इसके पीछे का भाव अतीत के गौरवशाली महापुरुषों और वीरांगनाओं को याद करें जिनके कारण हमारा देश प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। रानी दुर्गावती के सिंहासन कक्ष से प्रेरित पहली ओपन एयर कैबिनेट। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में सीग्रामपुर में एक भव्य ओपन एयर कैबिनेट बैठक होगी जो रानी दुर्गावती के सुशासन, उनकी कार्यकुशलता और महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रेरित है। इस बैठक का डिजाइन रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को प्रतिबिंबित करता है जिसमें एक किला नुमा प्रवेश द्वार और शिव मंदिर भी शामिल है। ये पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक एक खुले क्षेत्र ओपन एरिया में आयोजित की जा रही है जो रानी दुर्गावती के समय की स्थापत्य कला से प्रेरित है। यहाँ की आर्किटेक्चरल छत और दीवारें रानी के जीवन की संपूर्ण यात्रा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करेगी जिसमें नारी युद्ध, प्रगतिशील शासन और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कुल 32 मंत्रियों, कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के साथ अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे जबकि अन्य किसी अधिकारी को बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तबादला नीति का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तबादलों से बैन हटाने पर चर्चा संभव। लंबे समय से कर्मचारी तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के डीए पर कोई फैसला हो सकता है। कर्मचारी संघ कई बार इसको लेकर पत्र के माध्यम से सीएम के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। सीतानगर हवाई पट्टी, नर्मदा सुनार कोपरा नदी लिंक परियोजना और सीग्रामपुर में पीपीपी मोड पर रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। सीतानगर हवाई पट्टी अभी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के पास है जिसकी लीज खत्म हो गई है।
ऐसे में सरकार इसे एयर स्ट्रिप के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। नर्मदा सुनार कोपरा लिंक परियोजना को सरकार की मंजूरी मिल सकती है। नरसिंहपुर जिले में बरमान स्थित नीमवाली घाटी के पास नर्मदा के पानी को सुनार नदी में डाइवर्ट करने की प्लानिंग आ सकती है। इस बैठक में रानी दुर्गावती के किले में पर्यटन बढ़ाने, संकट के साथ ही एवं दमोह हेल्पलाइन मोबाइल ऐप का शुभारंभ को लेकर चर्चा। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड योजना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका लाभ आयकर की सीमा में आने वाले बुजुर्ग भी उठा सकेंगे। बैठक से पहले सीएम का शेड्यूल। बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव पौंडी रोड पर आमसभा को संबोधित करेंगे, फिर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री पौधारोपण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती का किला और निदान फॉल का दौरा कर माँ भद्रकाली के दर्शन कर सकते हैं। सीग्रामपुर में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। प्रदेश की लाडली बहना योजना में पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों के खाते में अनुदान राशि का अंतरण। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। ग्राम हरदुआ जामशा विकासखंड बटियागढ़ के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान। सिंगौरगढ़ किला, निदानकुंड जलप्रपात, प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का भ्रमण।